उदाहरण 8। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों 7, 10, 12, P, Q, 27, 31 की माध्यिका 17 है। यदि इसमें एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए तो माध्यिका 18 हो जाती है। पी तथा क्यू का मान ज्ञात कीजिए। हल, आप जानते हैं कि माध्यिका सदैव प्रेक्षणों के मध्य पद का मान होती है। प्रेक्षणों 7, 10, 12, P, Q, 27, 31 में माध्यिका चौथा पद है, यानी P = 17। अब यदि एक और प्रेक्षण 40 इसमें जोड़ दिया जाए तो प्रेक्षण होंगे 7, 10, 12, P, Q, 27, 31, 40। अब चूंकि प्रेक्षणों की संख्या सम हो गई है, अतः नई माध्यिका बराबर, हम जानते हैं माध्यिका का सूत्र n/2 2 पद (1, 2). यह हमारा माध्यिका का सूत्र है। अब हमारे पास नई माध्यिका जो दी है वह है 18, तो यह 18 हो गया। और हमारा जो n/2 पद है वह P है, धन n/2 धन 1 जो है वो जो पद है हमारा वह है, हमारा P पद जो है चौथा पद है, क्योंकि हमारे पास प्रेक्षणों की कुल संख्या 8 है। 8/2 चौथा पद हमारा Q है, और जब यहाँ 8 रखेंगे तो 8/2 4 और एक पांचवा पद हमारा Q है, तो n/2 धन 1 वा पद हमारा Q है प्रश्न अनुसार, और फिर 2। अब हम जानते हैं कि हमने प्रश्न अनुसार दिया हुआ है कि जो पांचवा पद है P जो है वो हमारे पास 17 है। हमने पहले ही बताया है कि प्रश्न अनुसार P का मान 17 है, तो हम P के स्थान पे 17 रखेंगे, धन Q/2। अब हम 2 का तिर्यक गुणा करेंगे, 18 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 36 = 17 ÷ Q, या 17 का जब हम पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में तो 36 में से 17 को हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 19 = Q। अतः P और Q के मान क्रमशः 17 तथा P का मान 17 तथा Q का मान हमारा 19 है। यह इस उदाहरण का हल होगा।